एडेनॉइड सर्जरी विथ ट्यूब इंसर्शन, यानी कि एडेनॉइड सर्जरी के साथ साथ हम कान में एक ट्यूब भी डालते हैं। कुछ बच्चों के एडेनॉइड बढ़ने से यूस्टेशियन ट्यूब में इस तरह से ब्लॉकेज होती है कि बार बार उनके कान में इन्फेक्शन होती है। इस कान की इन्फेक्शन को हम सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया या एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया या कभी कभी ग्लू ईयर भी कहते हैं। बच्चों की यूस्टेशियन ट्यूब थोड़ी छोटी और वाइड होती है, इसलिए नाक से इन्फेक्शन बच्चों के कान में आसानी से पहुँच जाती है। एडेनॉइड बढ़ने की वजह से यूस्टेशियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकती है और बच्चों के मिडल ईयर में प्रॉब्लम होती है। जब बच्चों के सांस लेने में रुकावट हो, रात को स्नोरिंग होती हो और उसके साथ साथ उनके कान में दर्द हो, कान में भारीपन हो, या ऑडियोमेट्री टेस्ट में हम चेक करके देखें कि बच्चे कम सुनते हैं, तो हम एडवाइस करते हैं कि एडेनॉइडेक्टमी विद ग्रोमेट इंसर्शन, यानी कि एडेनॉइड भी निकालेंगे और कान में ट्यूब भी डालेंगे। इस सर्जरी में रूटीन तरीके से एडेनॉइड को निकाल दिया जाता है। एक बार एडेनॉइड निकल जाते हैं, उसके बाद हम कान पे आते हैं। कान पे हम एक एक करके कान को देखते हैं, वहाँ एग्जामिन करके माइक्रोस्कोप में हम चेक करते हैं कि कान का क्या स्टेटस है। ईयर ड्रम को चेक करने के बाद हम एक छोटा सा उसमें सुराख करते हैं, जितनी भी फ्लूइड अंदर है उसको सक आउट करके फिर एक छोटी सी ट्यूब जिसको हम ग्रोमेट कहते हैं वो डालते हैं। ग्रोमेट डालने का ये फ़ायदा है कि वो एक वेंटिलेशन ट्यूब की तरह से काम करती है। वेंटिलेशन ट्यूब यानी कि वो मिडिल ईयर में एयर डालती है ताकि मिडिल ईयर बच्चे का सेफ और ड्राई रहे। ये सेफ और इफ़ेक्टिव सर्जरी है। एडेनॉइड निकालने से बच्चा सांस ले पाता है नाक से, और ग्रोमेट डालने से बच्चे का कान जो भरा भरा सा था या सुनने में जो तकलीफ़ थी वो ठीक हो जाता है।